नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो होने वाला है रिव्यू सैमसंग F41 के ट्रिपल कैमरा सेटअप का। तो जहां तक बात है कैमरास की, सैमसंग F41 में आपको मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर, जिसके साथ आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल सेंसर, और तीसरा सेंसर जो है वो है डेप्थ सेंसर फॉर पोर्ट्रेट्स, या जिसको हम कहते हैं लाइव व्यू। अब जब मैं फोटोग्राफी करता हूँ किसी भी फ़ोन से, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ वो है क्रिस्पनेस, जो शार्पनेस है फ़ोटो की वो कैसी है, फॉलोड बाय द कॉन्ट्रास्ट एंड ऑफ कोर्स द डिटेल्स। क्योंकि ये तीन चीज़ें अगर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए है बिकॉज मुझे लगता है एक फ़ोटोग्राफ जब कोई भी लेता है तो उसमें सबसे पहले आपको उस फोटोग्राफ की जो क्रिस्पनेस है, जो पंचीनेस है, जिसको कहते हैं हम कॉन्ट्रास्ट, या जो वाइब्रेंसी है वो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करती है। उसके बाद द शार्पनेस, द डायनामिक रेंज, या जो डिटेल्स होती हैं वो जो है सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। तो क्या F41 का ट्रिपल कैमरा सेटअप मुझे इम्प्रेस करता है? आइए कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने आज पूरे दिन में ली हैं, और काफ़ी डिटेल में रिसर्च करने के बाद मेरे क्या व्यूज़ हैं वो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कुछ फोटोग्राफ्स। इनके लाइट में, डे लाइट में, जैसे कि ये बाइक की फोटोग्राफ है, ये नॉर्मल कैमरा से है, 64 मेगापिक्सल से नहीं है, नॉर्मल कैमरा से है। काफ़ी अच्छी, काफ़ी वाइब्रेंट और ब्राइट कलरफुल से इमेज आई है, और डायनामिक रेंज मतलब जो हाइलाइट्स और शेडोज़ का जो डिफरेंस है वो मुझे अच्छी तरह से दिख रहा है। डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी खिल के आई है, और ये है इसी एंगल से, इसी जगह से वाइड एंगल का शॉट। वाइड एंगल अच्छी लाइट में बहुत अच्छे फोटोज़ प्रोड्यूस करता है। अगर आप आसमान को देखें तो आसमान का नीला कलर भी दिख रहा है, और मुझे बाइक का जो है रेड कलर भी क्लियरली दिख रहा है, विच प्रूव्स दैट द डायनामिक रेंज ऑफ दिस कैमरा इज़ रियली रियली नाइस। तो वाइड एंगल हो या नॉर्मल एंगल हो, आप ये देख सकते हैं क्लियरली कि जो ब्राइट लाइट में, डे लाइट में इसका कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये अगेन वाइड एंगल से फोटोग्राफ है, और काफ़ी ज़्यादा वाइड एंगल इसका जो है लेंस है, जो कि बहुत अच्छी बात है बिकॉज इट हेल्प्स इन अ ग्रुप पिक्चर और इन अ सिचुएशन जब आपको लगता है कि आपको वाइड एंगल की ज़रूरत है। ये क्लोजअप लिया है मैंने नॉर्मल कैमरा से, काफ़ी अच्छा इसका फोकस है, फास्ट फोकस है, शार्प फोकस है, और वेरी टैक्ट शार्प इमेज ये आपको देता है। जहाँ पे टैप करोगे एग्जैक्टली वहीं फोकस करता है, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट के लिए ये कैमरा बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली इफ़ इट्स डे लाइट या नेचुरल लाइट में अगर आप शूट कर रहे हैं तो। ये आपका लाइव व्यू में है, जो कि तीसरा कैमरा है वो लाइव व्यू में शूट करता है। आप देख सकते हैं कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो जो है ब्लर कर दिया है इसके कैमरा ने, और ट्रायम्फ, इस वाले फोटो में ट्रायम्फ जहाँ पे लिखा हुआ है ओनली दैट पार्ट इज़ विजिबल, और पीछे जो स्पीडोमीटर है इवन दैट इज़ नॉट विजिबल। तो इसका जो लाइव फोकस है वो बहुत शार्प है और बहुत अच्छी तरीके से जो है एज डिटेक्शन करता है, अगर डे लाइट है, लाइट अच्छी है तो। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि कैमरा सेटअप जो है डे लाइट में मुझे काफ़ी अच्छे इमेजेस प्रोड्यूस करके देता है, बिकॉज मुझे लगता है कि यही चाहिए होता है हम सबको कि डे लाइट में, या मैं अगर बाहर या कहीं भी शूट कर रहा हूँ तो फस्ट फ्री विदाउट एनी टेंशन मैं जहाँ चाहूँ जो चाहूँ फ़ोटोज़ ले सकूँ। आई थिंक स्मार्टफोन फोटोग्राफी का वही सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं देखूँ स्मार्टफोन फोटोग्राफी में। मुझे नहीं चाहिए कि मैं DSLR की तरह एक एक चीज़ें कंट्रोल करूँ। ऑफकोर्स प्रो मोड है, उसमें आप ये चीज़ें कर सकते हैं, बट देन अगेन अगर मैं प्राइमरली बात करूँ स्मार्टफोन फोटोग्राफी की, तो जनरली हम टैप करके जहाँ जहाँ फोकस हो रहा है वहाँ टैप करूँ, फटाफट क्लिक करूँ एंड आई एम डन। दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड स्मार्टफोन फोटोग्राफी। तो ये है इनसाइड शॉट, आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी डिटेलिंग जो है आई है इनसाइड में भी। ये इनसाइड शॉट अगेन है वाइड एंगल का, बट वाइड एंगल में आप देखेंगे कि अगर मैं जूम इन करूं जहां पे कॉफ़ी का जो, इससे पहले की फ़ोटो में अगर आपको दिखाऊं तो इसमें जूम इन करूं तो कॉफ़ी के जो प्राइसेस हैं या सब कुछ है आप पढ़ सकते हैं, बट वाइड एंगल शॉट में वही चीज़ अगर मैं जूम इन करके दिखाऊं तो कॉफ़ी का नाम ना तो प्राइसेस आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, विच प्रूव्स दैट द वाइड एंगल लेंस इज़ लिटिल सब पार, स्पेशली अगर लाइट लो है उसके लिए आपका वाइड एंगल लेंस जो है थोड़ा सा कम परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल एंगल लेंस। एंड दिस इज़ द 64 मेगापिक्सल इमेज, इसको आप चाहे जितना जूम इन कर लीजिए, आप पूरी तरीके से जो है अच्छे तरीके से आप पूरा नाम और प्राइसेस एंड एवरीथिंग यू कैन क्लियरली रीड। तो आप देख सकते हैं ये है नॉर्मल इमेज, और इसको मैं जूम करता जाऊँ तो आप देख सकते हैं कितना जूम किया हुआ है मैंने, एंड इवन देन द
टेक्स्ट या जो ओवरऑल क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत सही है। तो वाइड एंगल का ये थोड़ा सा इशू मेरे को F41 में लगा कि अगर लाइट लो है तो काफ़ी मशी, काफ़ी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इमेज में किसी ने कोई फिल्टर चढ़ा दिया हो। दैट इज़ ओनली बिकॉज आई थिंक लो लाइट में स्ट्रगल करता है थोड़ा सा इसका जो वाइड एंगल लेंस है वो। बट 64 मेगापिक्सल जो इमेजेस ये लेता है दोज आर ब्रिलियंट। जितना आप जूम इन कर लीजिए कोई टेंशन नहीं है, डिटेल्स होल्ड करता है, कलर्स आर ब्रिलियंट, द वाइब्रेंसी इज़ रियली गुड, ओवरऑल शार्पनेस या मैं कलर टोन्स की बात करूँ तो वो भी बहुत ही खूबसूरत है। वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो रियर कैमरा है वो 4K तक शूट कर लेता है, 1080p भी शूट कर लेता है। ऑफ कोर्स फ्रंट सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ सेल्फीज में ठीक ठाक है, आई एम नॉट रियली समबडी हु शूट्स अ लॉट ऑफ सेल्फीज, बट सेल्फी कैमरा भी आपका 4K में वीडियो शूट कर लेता है, विच इज़ अ गुड थिंग इफ़ यू आर इन टू सेल्फी वीडियोज। तो अगर आप सेल्फी कैमरा से वीडियो लेने के शौकीन हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। स्लो मोशन की अगर मैं बात करूं तो ठीक ठाक है, आई मीन इतना सुपर्ब नहीं है। अगर लाइट अच्छी है तो काफ़ी अच्छा स्लो मोशन ले लेता है, लाइट लो है तो ऑफ कोर्स थोड़ा फ्लिकरिंग होता है, जो कि हर एक फ़ोन से होता है एक्चुअली, सिर्फ F41 की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। सुपर स्लोमो जो है इस फ़ोन में नहीं आता है, जो कि इट्स ओके गिवन द प्राइस पॉइंट दैट दिस फ़ोन रिटेल्स एट। तो ओवरऑल फोटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ, ये आप कुछ और तस्वीरें देख सकते हैं, काफ़ी वाइब्रेंट, काफ़ी अच्छे कलरफुल इमेजेस ये F41 का जो प्राइमरी सेंसर है वो ले लेता है। वाइड एंगल लेंस भी काफ़ी अच्छा है इफ़ इट्स गुड लाइट दैट यू आर शूटिंग इन। लो लाइट में जैसा मैंने हमेशा से कहा है F41 के कैमरा के बारे में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, बट दैट्स बिकॉज लो लाइट में काफ़ी कैमरा स्ट्रगल करते हैं। बट लो लाइट में अगर आप ज़्यादा शूट करते हैं तो कोशिश करिएगा कि मेन कैमरा से या 64 मेगापिक्सल कैमरा से आप शूट करें रादर देन शूटिंग विद द वाइड एंगल लेंस। ओवरऑल आई थिंक द कैमरा वर्क्स रियली रियली नाइस गिवन द प्राइस पॉइंट। इस प्राइस पॉइंट में आई थिंक द 64 मेगापिक्सल जो इसका सेंसर है वो बहुत अच्छा काम करता है। इनफैक्ट आप अगर 64 मेगापिक्सल में शूट नहीं भी कर रहे हैं तो भी इमेजेस काफ़ी शार्प, काफ़ी वाइब्रेंट और डायनामिक रेंज इज डिसेंटली नाइस आई वुड से। तो ये है छोटा सा रिव्यू सैमसंग F41 के कैमरास का। अगर आप कैमरा के लिए प्राइमरली फोटोग्राफी के लिए अगर आप F41 की तरफ देख रहे हैं, तो अगर आप कैजुअल फोटोग्राफी करते हैं, डे लाइट में कहीं फोटोग्राफी कर रहे हैं, आपको फोटोग्राफी का इतना ज़्यादा शौक नहीं है तो आप M41 की तरफ देख सकते हैं। बट अगर आपको चाहिए कि आप एकदम हर तरीके से फोटोग्राफी को एकदम घुस के उसमें करें तो शायद F41 आपके लिए इतना सूटेबल नहीं है। ऑल्सो बिकॉज प्रो मोड जो आता है F41 का उसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है एक्सेप्ट ISO, वाइड बैलेंस और एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन। तो वो एक जो है छोटा सा मेरे हिसाब से मिस है ऑन सैमसंग्स पार्ट। बट देन अगेन लाइक आई हैव ऑलवेज सेड, इस प्राइस पॉइंट में शायद सैमसंग को ये लगा कि लोग उस तरीके से घुसना शायद कैमरा में ना चाहें जिस तरह से समथिंग लाइक एन M51 या M31S से लोग फोटोग्राफी करना चाहेंगे। तो प्राइमरीली अगर आप प्रो मोड से शूट करना चाहते हैं तो F41 आपके लिए नहीं है। कैजुअल शूटर हैं, ऑन अ डेली बेसिस आप यहाँ वहाँ फोटोज़ लेना पसंद करते हैं, सोशल मीडिया के लिए फोटोज़ लेना पसंद करते हैं, तो आई थिंक F41 विल बी द परफेक्ट सूट फॉर सच काइंड ऑफ पीपल। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा। दोस्तों अगर पसंद आई ये वीडियो, थम्स अप करके जाना है, सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाना है। इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है नीचे, उस पर जाइए, हाय हेलो कीजिए, कनेक्ट विथ मी ओवर देयर एज वेल। तो बस शुक्रिया है, और आगे और सारी वीडियोस आती रहेंगी। F41 से मैं और ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, M51 में अभी काफ़ी सारी वीडियोस आनी बाकी हैं, तो बने रहिएगा इस चैनल पे। मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। नमस्कार।